There's something about the way you make me feel inside. Guys, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह हमने पोहा बनाया है, इधर बने चाय और इधर आज हम खाएंगे बोन बोन के बिस्किट और सौरभ भी आ चुका है। गुड मॉर्निंग सौरभ, सौरभ नहा के रेडी हो गए हो? ये देखो तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट बोन तो भैया बढ़िया है ही है। पता कितने से निकला? ये वाली अलमारी के अंदर जाके पड़ा हुआ था, बिल्कुल पीछे की तरफ। जब मैं पोहा निकाल रही थी ना, आज मैंने पोहा बनाया है तुम्हारा फेवरेट। बढ़िया धूप हो रही है यार, मस्त हो रही है। बढ़िया धूप हो रही है, क्या खाते हैं? पोहा खाते हैं जिस दिन बीमार हो। अच्छा, दलिया खाते हैं। तो आज का मौसम का जानकारी दे देते हैं। कैसी है जी मौसम आज की? बिल्कुल बढ़िया वाली धूप हो रखी है, हवा है और मेरे फ्रेंड्स भी बैठे हैं उधर। तो भाई सारी लाइटें बंद कर देते हैं, धूप बढ़िया हो रखी है मस्त वाली। यहाँ पे बैठेंगे आज अभी और सौरभ हमें बढ़िया सी चाय पिलाएगा। मैडम जी ना आराम से बैठ गई है। हाँ हाँ, वो मतलब हाँ, और बैठे सारा कुछ डाल दिया है, सिर्फ दूध डालना है उसमें, प्रॉब्लम हो रही है ना चाय, अगर गंदा हो ना वो फिर देख लेना। और ये देखो आराम से बैठ गई और बोले बैठे बैठे मुझे खाना मिल जाए। ये ऐसे लगी है ना जैसे मैं जहाँ बैठी हूँ बंद हो गया। ऐसे होना चाहिए। देख सूरज देवता जी ने मेरा बर्तन लिया तेरे से। यस, बढ़िया धूप हो और पोहा और साथ में ये देखो पार्ले जी के बिस्किट और चाय। क्या बात है सौरभ, मजा आ गया। चाय भी सब मैंने बनाया। गाइस देखो मैंने बनाया है सब और ये सिर्फ मुझे इसने पकड़ाया है और उसमें भी इसको वो हो रही है कि हाँ मैंने पकड़ा दिया। तुम्हारे बाल है ना पूरे खराब हो रखे। चाय मैंने बनाई आधी, तुमने सिर्फ दूध डाला है। अब तुम सच बताओ, जो पानी पत्ती, पानी पत्ती सब को किसने डाला था? मैंने। अच्छा सॉरी मैं भूल गई, सब कुछ डाला था मैंने, सब कुछ किया। अच्छा चलो चाय इसने बनाई है, क्रेडिट तुम्हें दे देती हूँ। और पोहा मैंने बनाया है और बिस्किट तो मार्केट से बने बनाए आए हैं। इसका भी क्रेडिट हम लेंगे भैया, हमने ये बॉन बॉन के बिस्किट खरीद के लाया तो हमारा क्रेडिट है। दरवाजा पता नहीं सौरभ खोल देता है बार बार ठंडी हवा लेने के चक्कर में। और भाई आज ना हम घर के सारे छोटे छोटे काम निपटा रहे हैं। देखो मैंने पूरा टेबल भी साफ कर दिया और अभी कल ये फिर गंदा कर देगा सौरभ। ये टेबल देख लो, ऐसे ही साफ होना चाहिए, ऐसे ही साफ होना चाहिए। तो अभी हमारा ना ये जो जग था ना, इसको भी आज हमने पूरा साफ किया, अच्छे से चमका दिया। और ये क्या डाल रहे हो तुम? सॉल्ट? ये वो है सॉल्ट है जो कि वाटर प्यूरिफाई करता है। डेंजरस लग रहा है पूरा यार, ये हमें अच्छा है, नहीं तो मेरे तो सब बना हुआ। ओके तो ये हमारे वाटर को और अच्छे से की करते प्योर कर देता है। हमने वैसे घर पे वाटर सॉफ्टनर भी लगाया हुआ है लेकिन हम डबल इसको प्योरीफाई करते हैं क्योंकि अदरवाइज हम दोनों के पेट में दर्द शुरू हो जाती है। तो अभी इसके बाद अभी सेकंड काम भी करना है, वाटर सॉफ्टनर का भी सॉल्ट डालना है। ओके और काफी लोगों ने हमसे पूछा था कि कौन से ब्रांड का यूज करते हो, तो हम यूज करते हैं फॉक्स ब्रांड का वाटर प्यूरीफायर। और हमने यही यूज किया क्योंकि ये ग्लास का बना हुआ है, और हमें प्लास्टिक, हम पहले ब्रेटा का करते थे लेकिन हमने उसको अवॉइड किया एंड वी स्विच टू ग्लास। एक्चुअली सबसे ब्यूटी पता क्या चीज है, इनका जो फिल्टर आता है ना वो भी प्लास्टिक का नहीं है, सीधे सैशे आता है, सैशे डालो और ये देखो पेपर बैग में आता है। एनवायरमेंटल के ऊपर कोई हानि कर पूछी थी, ये कोई प्रमोशन नहीं है, हमें अच्छी लगी चाहिए तो हम आपको रिव्यू दे रहे हैं कि भाई आप भी कर सकते हैं। तो तैयार हो चुके हैं और ये ले आई अपने प्रोडक्ट। क्या अभी मेरा प्रोडक्ट है कि तेरे प्रोडक्ट है? ये तो बता दो, स्किन प्रोडक्ट्स आए हैं और ये मेरे प्रोडक्ट्स नहीं, सौरभ सानन की है। ये देखिए नाम सौरभ सानन, तो पक्की बात है मेरा अमेज़न का अकाउंट यूज किया गया होगा और मेरे कार्ड का तो कुंडा कर दिया गया होगा। और हो गया एक बात पता ना, अगर इतने सामान है तो अपने क्रेडिट से मंगवाओ। तो गलती से तुम्हारा खुला हुआ था तो मैंने फिर टिक कर दिया, वो तो एक मिनट लगता है करने में, तो अभी हम इसको ओपन करते हैं। तो भाई ये आए हैं ल्यूमा के बॉडी स्क्रब्स जो कि मैंने ऑर्डर किए हैं। ये प्रोडक्ट्स आए हैं ल्यूमा ब्रांड से। गाइस आज मैं आपको अपना ग्रूमिंग सीक्रेट बताने वाली हूँ। और ये ना एक्चुअली मुझे रिसेंटली इस ब्रांड के बारे में पता चला था, ल्यूमा के बारे में, तो मैंने सोचा क्यों ना व्हाई नॉट आई विल ट्राई दिस वन। तो मैंने इसको ट्राई किया, मुझे काफी अच्छे लगे तो मैंने और एक कहते हैं ना कि पूरा डिब्बा मंगवाया है। देयर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑल नेचुरल वीगन एंड केम डायरेक्टली फ्रॉम द अमेज़न फॉरेस्ट। और सबसे अच्छी बात इनकी पैकेजिंग इतनी बढ़िया है ना कि कोई इसको देख के कह नहीं सकता कि तुम इसको अफोर्डेबल प्राइस पे ले सकते हो।
इसको आप नॉर्मल जैसे आप अपना कोई भी बॉडी स्क्रब यूज करते हो वैसे इस्तेमाल कीजिए। सिंपल सा प्रोसीजर है, अपनी बॉडी को थोड़ा सा गीला कीजिए, उसके ऊपर स्क्रब अच्छे से रगड़िए अपना जहां पे भी फेस पे बॉडी पे, और अपना पानी से फिर वॉश कर लीजिए। और उसके बाद जो आपको इसके स्किन जो सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, डेड सेल है ना जो सारे रिमूव कर देती है, जैसे कि हम पूरा दिन काम करते रहते हैं कुछ ना कुछ हमारा चलता रहता है डेली लाइफ में, तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि हफ्ते में 2-3 बार तो इसको यूज कर ही लेना चाहिए। तो भाई मेरे को भी दिखा, मैं भी यूज कर सकता हूँ इसको? सब कर सकते हो, बॉडी स्क्रब है। तो गाइस हमारे वाटर मत जाइए, एक बार इस्तेमाल करके देखो, अच्छा लगे तो भैया पक्का यूज करो। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो हमारा कूपन कोड है RS40, उसको यूज करो, आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसका प्रोडक्ट का जो लिंक है और वेबसाइट है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एंड हैप्पी स्क्रबिंग, हैप्पी स्क्रबिंग। चले यार, शाम के 4 बज चुके हैं, बॉडी स्क्रबिंग हो गई है, अब थोड़ी पेट की स्क्रबिंग कर ले यार। और क्या, सुबह का 10 बजे का पोहा खिलाए हुए 4 बज चुके हैं यार, यहाँ पे तो घर में कुछ नहीं खाने को मिलना, बाहर ही जाके कुछ खा लेते हैं। बाबा जी चलो जल्दी करो, बाबा जी ना करो, भूख लगनी है, भूख लगी जल्दी चलो। तो सौरभ इज बैक विद हिज बैग, बड़े सारे लोग तो गाइस ही इज बैक विद हिज बैग, क्या टैग बनाया मैंने सौरभ, टाइटल इज बैक विद हिज बैग। आजकल मैं बड़ी सारी ना क्रिएटिव बंदी बन गई हूँ, अच्छे अच्छे टाइटल लिखती हूँ भाई, ऐसी किस्मत कहाँ हमारी, हम लॉजिस्टिक मैनेजर बन गए, वही बड़ी बात है, पता नहीं कब तक टिके रहेंगे। बहुत सारे पिजन्स, यहाँ पे ना ये लोग डरते नहीं है, नहीं तो मेरी बालकनी में आते तो फटाफट भाग जाते हैं, है ना, उनको आदत है, पता है कि सब लोग खाना खाने आते हैं। ओह माय गॉड, सो क्यूट 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 बेबीज। यहाँ पे हमें मिले हैं हमारे कुछ छोटे 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 प्यारे से फैंस आए हमें मिलने के लिए, थैंक यू, हेलो से हेलो, हेलो। और इसका नाम है कायरा, कायरा है ना, कायरा ये स्पेशली गेट से आया है, इसे मिलने आया है, एंड इट्स सो स्वीट टू मीट देम। और हमारे सोसाइटी में गए, उसके बाद नीरो आके मिल गया, हम कहां मिलने वाले हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट नहीं किया था भाई, हम लोग आपको बोल देते कि अगर आप आए हो, आई वाज थिंकिंग गार्डनिंग व्हेनेवर आई गो बैक टू माय होम, आई विल श्योरली टेक्स्ट यू ऑन इंस्टाग्राम दैट आई केम टू रनिंग एंड टू इंस्पायर, बट सो गाइस माय गुड लक दैट आई सी यू एंड आई एम ह्यूज फैन ऑफ देम गाइस, प्लीज फॉलो देम, ओह माय गॉड आई विल सी, ओह माय गॉड दैट्स सो 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 स्वीट ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, इट इज ऑल माय seriously बट तुमको टेस्ट नहीं लगती ना यहाँ की, चले मूवी देखने टाइम हो गया है, चलो मैं भी पकड़ लेती हूँ अपनी। तो अभी हम चल रहे हैं, टिकट दिखा दो भाई, यहाँ के थिएटर की ना एक चीज है, ये लोग कभी भी टाइम पे मूवी नहीं स्टार्ट करते, लेट होता ही होता है आराम से। जब हम आई रिमेम्बर फर्स्ट टाइम मूवी देखने आए थे लंदन इधर, तो हमने देखा अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई, 20-25 मिनट हो गए, तो तब से हमें पता चल गया कि अगर 5 बजे का शो है तो 5:30 ही पहुंच जाओ, 5:30 तो नहीं 5:20 हाँ, क्योंकि पहले आके वहाँ पे एड देखने से अच्छा है कि बाहर एड चलती है, चलती है, होगी शुरू। अमरीका के पास से नहीं, मेरा मतलब है रास्ता कड़ा जा। कैसी लगी मूवी भाई? बहुत ही सीरियस मूवी है और एकदम रियलिटी दिखाई उन्होंने। मैं स्पेशली ये मूवी देखना चाहती थी क्योंकि इस मूवी में उन्होंने एक ऐसा मतलब थीम लिया है जो एक्चुअली लोगों के सामने आना चाहिए। इतनी सीरियस मूवी है और एकदम करेक्ट टॉपिक पे बनी है, अगर किसी को पंजाबी समझ आती है तो भैया पक्का मूवी देखो, आजा मेक्सिको चलिए, आजा मेक्सिको चलिए, आजा मेक्सिको चलिए, सीरियस टॉपिक है जो एजेंट्स के थ्रू बाहर जाते हैं ना उनको तो पक्का देखी चाहिए। इस मूवी में जो बेसिक दिखाया गया है वो मैं आपको बताती हूँ कि स्पेशली हमारे पंजाब में ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है कि बहुत सारे लोग जो बाहर जाना चाहते हैं वो क्या करते हैं कि एजेंट्स के थ्रू वीजा लगवाने की कोशिश करते हैं, उनको 20-30-30 लाख रुपया भी देते हैं एंड देन फिर भी उनका कुछ नहीं हो पाता और उनको लगता है कि भाई हम डायरेक्ट फ्लाइट लेके वीजा लेके जा रहे हैं, लेकिन इंटरनल कुछ और ही हो रहा होता है उनके, सब लोगों को गुमराह करके उनसे पैसे हिटे जाते हैं, एजेंट स्पेशली जो होते हैं वो क्या करते हैं
मतलब कि तुमको बोलते कुछ है और फिर अल्टीमेटली क्या करते हैं तुम्हारा कहीं और ही पाथ से क्या मतलब पूरा पाथ दिखाया हुआ था कि भाई पहले तुमको कहीं किसी सिटी में ले जाते हैं, मेक्सिको जाना है तो पनामा में लेके जाएंगे, हाँ। कौन कौन से जंगलों से कुछ महीनों में निकलते हैं, एजेंट्स होते हैं, कुछ एजेंट्स सही आपको सलाह देते हैं, कुछ आपको गुमराह भी करते हैं, तो बस जो भी करो ध्यान से करो। जो लोग भी सोचते हैं कि मैं बाहर जाना है, ऑफकोर्स सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है, लेकिन प्रायोरिटीज के चक्कर में ये ना हो कि आपकी जिंदगी के ऊपर ही आ जाए बात, हाँ, मतलब किसी गलत एजेंट के हत्थे मत चढ़ जाओ। तो भाई टमाटर का तो पूरा ये कितने किलो का डब्बा उठाया सोरा, ये 4 किलो का डब्बा। हाँ इसने बोला रोज लेने से अच्छा है कि एक ही बार ले लो, क्योंकि हमारे घर में ना टमाटर बहुत यूज होता है, हम लोग अन्य यूज करते हैं। मूवी अच्छी थी, टमाटर भी अच्छे लग रहे हैं। वाइन टमाटो है ना ये, वाइन टमाटो। वैसे इतने टमाटो का तो टमाटो फेस्टिवल तो नहीं करना, वो जो स्पेन में होता है।